हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बैकलॉग्स क्लियर हो रहे हैं? वैसे मुझे ना पहले लगता था कि सिर्फ मेरे ही इतने ज़्यादा बैकलॉग्स बन रहे हैं, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। सिर्फ मेरे ही बैकलॉग्स नहीं बने हुए, मेरे जैसे आप लोग के भी बैकलॉग्स बने हुए। और मुझे ये तब पता चला जब आप लोग कॉमेंट्स में पूछते हो कि मैं लेट ज्वाइन की, और या फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के भी होंगे जिसकी वजह से आप लोग के बैकलॉग्स बन गए हैं और उसको कैसे क्लियर करना है। तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको कैसे क्लियर करना है। मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कितना टाइम मिलता है, कब टाइम मिलता है, मैं कब कम्फर्टेबल होती हूँ, ये आपके सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अलग है। तो आपको खुद सोचना होगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। और बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप अपना स्टडी आवर्स बढ़ाओ और फोकस करो कि आप जल्दी से जल्दी अपने सारे बैकलॉग्स को क्लियर करो। और सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करो जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छा लगता है ना, उसको हम बहुत जल्दी और बहुत प्यार से कर लेते हैं। बाकी तो फिर जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता वो ऐसे ही बैकलॉग बन जाता है। अगर बैकलॉग नहीं भी होगा ना तो भी वो उसमें मन नहीं लगता। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है उसको सबसे, अगर उसमें भी बैकलॉग है तो उसको सबसे पहले करो। जैसे मेरा जूलॉजी, बॉटनी वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बायोलॉजी ओवरऑल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बॉटनी में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे हो रखी हूँ, इसलिए मैं अभी उसको नहीं कर रही थी। सबसे पहले मैंने जूलॉजी का किया क्योंकि उसको मैं रेगुलर क्लासेस, अगर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते थे तो मैं थोड़ा बहुत तो क्लासेस देखती थी, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। और उस वजह से मेरी जूलॉजी में बैकलॉग्स नहीं थे, 2-3 लेक्चर्स के थे जिसको मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं फिज़िक्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिज़िक्स में पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए मैं फिज़िक्स को कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और अभी मेरा वेक्टर्स कंप्लीट हो गया है, थैंक गॉड कि मेरा वेक्टर्स कंप्लीट हो गया, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर लूँगी जल्दी ही। लेकिन उससे पहले मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी, यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊँगी तो वो तो गलत होगा ना, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। लेक्चर्स का टाइम तो मुझे मैनेज ही करना पड़ेगा। तो मैं वही करने वाली हूँ, अपना एक्स्ट्रा टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, बाकी रेगुलर जो क्लासेस कर रही हूँ। तो आप लोग ये मत कहना कि प्रैक्टिस नहीं किया ऐसे ही आगे बढ़ गए, वो मैं कर लूँगी। और आप भी कोशिश करो, आपका भी हो जाएगा, डोंट वरी।